हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड में आयोनिक सोलिड्स के अंतर्गत बॉर्न हैबर साइकिल के यूजेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ में ही डिस्कस करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ लेटेसी एनर्जी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉर्न हैवर साइकिल के डिफ्रेंट स्टेप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और साथ ही हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स इफेक्टिंग लेटेसी एनर्जी तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉर्न हैबिट साइकिल के क्या उपयोग हैं तो आप देखिए इसका जो फर्स्ट यूज है वो ये है कि कई तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जनरल मेथड्स द्वारा ज्ञात कर पाना अत्यंत कठिन होता है ऐसा तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बॉन हैबर साइकिल की सहायता से आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं कैसे ये इक्वेशन दी हुई है ई बराबर क्यू प्लस एस प्लस आई प्लस वन अपॉन डी माइनस यू जीरो यहाँ पर जो यू जीरो है वो जालक ऊर्जा है और इसका मान बॉन्न समीकरण से अन्य मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं ठीक है तो एक तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो जनरल विधियों के द्वारा ज्ञात करना बहुत कठिन है लेकिन इसके द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है तो फर्स्ट यूज तो बॉर्न हैबर साइकिल का ये है सेकंड जो उपयोग है वो ये है कि इसकी सहायता से आयनिक यौगिकों के जो स्थायित्व पोर्न हेबर साइकिल की सहायता से आयनिक यौगिकों के स्थायित्व को भी आसानी से समझा जा, जा सकता है एग्जाम्पल के लिए अगर हम एम का एग्जाम्पल लें जो कि एक बहुत ही स्थायी कंपाउंड है जबकि हम ये जानते हैं कि एम से एम जी टू प्लस आयन प्राप्त करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन से ओ माइनस प्राप्त करने में भी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है लेकिन एम जी टू प्लस और ओ टू माइनस के सहयोग से एम जी ओ के बनने में बहुत सारी जालक ऊर्जा मुक्त भी होती है अगर आप इन निम्न समीकरणों को आप देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा आप देखिए यहाँ पर एम जी से एम जी टू प्लस प्राप्त करना एम जी एम जी से क्या हो रहा है माइनस ई इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये किस में बदल रहा बदल रहा है Mg plus. तो यहाँ इसकी आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो हो गई आपकी 737 किलो जूल प्रति मोल और उसके बाद फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एम जी प्लस माइनस ई तो ये एम जी टू प्लस में कन्वर्ट हो गया तो और आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इसकी वैल्यू पहली वाली वाली सो तो आई पी वन से आई पी टू की वैल्यू और अधिक है और अगर इस इसमें से हम एक साथ ही दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एम से तो एम जी टू प्लस हो गया और ये आई इसकी और भी अधिक आ गई आप देखेंगे कितनी हो गई ये इक्कीस सौ सत्तासी किलोजोल प्रति मोल इसी प्रकार से ओ से ओ टू माइनस प्राप्त करना तो आप देखिए ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ओ माइनस बन गया और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधूता है माइनस एक किलोजूल प्रति मोल आप देख रहे हैं ई वन के लिए माइनस आ रहा है और ई टू के लिए प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ऋण आवेशित है और उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो यहां पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही है तो ओ माइनस प्लस ई माइनस क्या हो जाएगा ओ टू माइनस और ई टू बराबर हो गया है सात सौ बहत्तर प्रति मोल और अगर एक साथ आप दो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो होगी छः सौ तीस प्रति मोल अब आप तीसरा स्टेप देखें एम जी टू प्लस ये यहाँ बना हुआ है और इसी प्रकार से ओ टू माइनस ये हमने इनके माध्यम से बनाया से आयन युग्म जब बनेगा तो जो टोटल यू जीरो होगी जालक ऊर्जा होगी वो एम जी टू प्लस प्लस ओ टू माइनस एम जी टू प्लस ओ टू माइनस से वो जालक ऊर्जा आएगी तीन हजार नौ सौ बारह किलोजोल प्रति मोल इसी कारण एम के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यू का मान है वो अत्यंत ऋणात्मक माइनस छः सौ एक पॉइंट सिक्स किलो जूल प्रति मोल हो जाता है जो कि एम को एक स्थायी यौगिक बनाता है इसी प्रकार से एन तो बनता है किंतु एन टू नहीं बनता एम टू बनता है किंतु एम नहीं बनता इन सब का स्पष्टीकरण बोन हेबर साइकिल की सहायता से हमको मिल जाता है इस चक्र का उपयोग करते हुए यदि क्यों का मान ऋणात्मक आता है तो यौगिक बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा और क्यों का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि क्यों की वैल्यू क्यों की बैलू जो आ रही है आपकी क्यों क्या है आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन अब क्रिया की जो ऊष्मा है हीट ऑफ फॉर्मेशन क्रिया ऊष्मा वो क्यों है तो क्रिया की ऊष्मा अगर आपकी ऋणात्मक आती है तो, तो आपका यौगिक बनेगा और ऋणात्मक आने के साथ ही जितनी अधिक ऋणात्मक आएगी वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा और अगर क्यू का मान ऋणात्मक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका यौगिक नहीं बनेगा तो दूसरा इसका उपयोग यह था तीसरा इसका उपयोग है प्रोटॉन एफिनिटी में प्रोटॉन बंधुता में प्रोटॉन बंधुता का मान भी बॉर्न साइकिल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कैसे जब एक रणायन जब प्रोटॉन से जुड़कर अम्ल का अणु बनाता है तो इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा क्या कहलाती है प्रोटॉन बंधुता कहलाती है देखिए एक्स माइनस प्लस एच प्लस अम्ल से जुड़ रहा है एच प्लस है तो ये एच एक्स बन गया और पी ए क्या है आपकी पोटेंशियल एफिनिटी प्रोटोन बंधुता इसके लिए बोर्न हेबर साइकिल निम्न प्रकार का होगा देखिए माइनस डी बराबर प्लस आई माइनस ई माइनस पी ए और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पी ए बराबर ये क्या हो जाएगा प्लस आई प्लस ये माइनस डी इधर जाएगा तो प्लस डी हो गया और माइनस ई इस प्रकार हम प्रोटॉन बंधुता का मान ज्ञात कर सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से देखिए कि एक्स के प्रोटॉन बंधुता के लिए बॉर्न है साइकिल आप देखिए यहाँ पर ये एच गैस रूप में है और ये एक्स ये भी गैस रूप में है अब आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा क्या हो रहा है एच एक? एच प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसी प्रकार से जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा ये एक्स में कन्वर्ट हो गया और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये एच प्लस और एक्स माइनस के रूप में बन जाएंगे और ये माइनस पी ए और अगर ये डायरेक्ट है तो माइनस डी डी क्या है यहां पर एच एक्स की बियोजन ऊर्जा उदाहरण के तौर पर अगर हम और देखें अमोनिया एन एच थ्री के लिए प्रोटोन बंधुता का मान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है तो आप देखिए ये एन एच थ्री है और ये एच प्लस इसमें जुड़ा तो क्या हो गया एन एच फोर अमोनियम आयन बन गया और डेली क्या हो गया एन एच थ्री की प्रोटोन बंधुता अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस हमें एक साइकिल की आवश्यकता पड़ेगी एन एच थ्री के लिए प्रोटोन बंधुता के लिए बॉर्बर साइकिल किस प्रकार से देखिए ये एन एस थ्री प्लस एस सी एल दोनों गैस अवस्था में अब एन एच थ्री का अगर डिसोसिएशन किया एच के साथ तो एनएस थ्री प्लस एच प्लस सी फिर आई ई तो एनएस थ्री ये एच प्लस में कन्वर्ट हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा प्लस सी और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा क्या हो गया जो सी है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो एन एच थ्री प्लस एच प्लस प्लस सी माइनस और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो एन एच फोर प्लस प्लस सी एल माइनस और यू जीरो होगा वो एन एच फोर सी एल के रूप में ये यहाँ पर सोलिड स्टेट में आ जाएगा और यहाँ पर अगर डायरेक्ट डेल एच देखें तो ये एन एच फोर सी एल बन रहा है इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड की जो संभवन ऊर्जा है हीट ऑफ फॉर्मेशन है या बनने की एंथैल्पी डेल एच है इसकी जालक ऊर्जा एच सी एल की वियोजन ऊर्जा एच की आयनन ऊर्जा और आई ई व सी एल की इलेक्ट्रॉन बंधुता ई ए के मानों की सहायता से अमोनिया की प्रोटॉन बंधुता को सुगमता से कैलकुलेट किया जा सकता है विभिन्न मानों को रखने पर अमोनिया की प्रोटॉन बंधुता का मान माइनस आठ सौ प्रति मोल प्राप्त होता है इस प्रकार के अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम आयोडाइड के साइकिल से भी अमोनिया के प्रोटॉन बंधुता का मान माइनस आठ सौ पंचानवे क्लोजूल प्रतिमूल ही प्राप्त होता है तो इस प्रकार से हमने देखा कि बॉर्न साइकिल के क्या क्या उपयोग थे तो उनमें पहला उपयोग था हमारा कि इससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात कर सकते हैं दूसरा था इससे यौगिक के स्थायित्व का पता लगाया जा सकता है तीसरा है प्रोटॉन बंधुता प्रोटॉन बंधुता कैसे निकाली जा सकती है और हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझा अब अब है आपके जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ लेटेसी एनर्जी लेटेसी एनर्जी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं तो पहला जो अनुप्रयोग है वो है कि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोटॉन बंधुता अभिक्रिया ऊष्मा आदि ज्ञात कर सकते हैं फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन का क्या यूज हुआ कि इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोटॉन बंधुता और हीट ऑफ फॉर्मेशन आदि को हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड क्या है इसकी हेल्प से हेलोजन तत्वों की तुलना में क्लोरीन के विशेष गुणों की व्याख्या कर सकते हैं किसकी सहायता से जालक ऊर्जा की सहायता से किसके गुणों के विशेष गुणों की व्याख्या कर सकते हैं हेलोजन तत्वों की तुलना में क्लोरीन के विशेष गुणों की व्याख्या कर सकते हैं तीसरा है धात्विक हाइड्राइड पोलीहेलाइड परऑक्साइड ऑक्साइड एवं सुपरऑक्साइडों के स्टेबिलिटी की व्याख्या भी हम जालक ऊर्जा के आधार पर कर सकते हैं तो आपने ये तीनों तीन, तीन, तीन एप्लीकेशंस देखी इन तीनों में हमने देखा कि इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन का उपयोग जालक ऊर्जा के रूप में हो रहा है चौथा है कि धात्विक क्लोराइडों में धात्विक परमाणु उच्च ऑक्सीजन अवस्था में रहते हैं जबकि आयोडाइडों में कम इस बात की व्याख्या भी जालक ऊर्जा के आधार पर की जा सकती है कई बार पूछा जाए कि क्या कारण है कि धात्विक परमाणु में उच्च ऑक्सीजन अवस्था में धात्विक क्लोराइड रहते हैं जबकि आयोडाइडों में कम तो ये जालक ऊर्जा के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो पांचवा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्थायित ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी वो भी हम जालक ऊर्जा के मान से ड्राइव कर सकते हैं छठवीं ईस्वी इस इसकी एप्लीकेशन है सिक्स नंबर की जो मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड हैं वो जल में कैसे हैं शोलूबिल होते हैं जबकि कुछ कैसे होते हैं एबिले भी होते हैं आयनिक यौगिकों की विलयशीलता अथवा एबिलेता दोनों ही किसके आधार पर समझाई जा सकती है जालक ऊर्जा के आधार पर समझाई जा सकती है सातवां है आयनिक यौगिक कठोर एवं अबास्पशील होते हैं इनके इस गुण की व्याख्या भी जालक ऊर्जा के आधार पर की जा सकती है इसके अतिरिक्त आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वनांक बहुत उच्च होते हैं इसका कारण भी जालक ऊर्जा ही है अतः जालक ऊर्जा के आधार पर इसे भी समझाया जा सकता है कि यौगिक का कठोर है अबास्पशील है इनके गलनांक और क्वतनांक बहुत अधिक हैं इसका क्या कारण है तो इसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को समझा सकते हैं तो आज हमने जिन जिन के बारे में डिस्कस किया था उनमें सबसे पहला था बॉन है साइकिल के एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस में आपने देखा था तीन एप्लीकेशन थे इसके एक तो ये था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है दूसरा ये था कि योग की स्टेबिलिटी और एस्तैत्व के बारे में ये बताता है और तीसरा था कि उसकी प्रोटॉन बंधुता को आप बॉन हेबर साइकिल के से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार से इसके एप्लीकेशंस थे एप्लीकेशंस में आपने देखा कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो रहे थे तो एक तो ये तीनों चीज़ों को आसानी से ज्ञात कर रहा था इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोटॉन बंधुता और अक्रिया ऊष्मा को दूसरा ये ये बता रहा था कि जो क्लोरीन है उसके जो विशेष गुणों का क्या कारण है उसकी भी ये व्याख्या करता है तीसरा जो जितने भी हाइड्राइड हैं हेलाइड हैं परोक्साइड हैं सुपरऑक्साइड हैं उनकी स्टेबिलिटी की भी ये व्याख्या करता है चौथा कि जो आयोडाइड है वो धात्विक क्लोराइडों में से कैसे कम अवस्था में रहते हैं तो उसकी भी व्याख्या कर रहा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी की भी ये व्याख्या करता है और बिलयशीलता विलयशीलता की व्याख्या करता है साथ ही ये आयनिक यौगिक के कठोर और अधिक गलनांक और क्वथनांक इनकी भी व्याख्या करता है तो इन सब का जो कारण है वो केवल एक ही है जालक ऊर्जा तो ये सारे के सारे आपके जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग थे